everyone, how are you all? Welcome back to the next video of your English language grammar literacy of class 6th book. Okay, so today we are going to start with another topic, that is notice writing. Okay, so do you know what is a notice? Notice kya hota hai? Jo ek particular set of sentences ya jo ek paragraph hame koi proper, you know, particular cheez ke bare mein inform karta hai. Jaise फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन है, उसके लिए पार्टिसिपेंट्स को चाहिए, पार्टिसिपेंट्स के लिए हमने एक नोटिस डालना है, तो वो एक नोटिस ही तो होता है कि हम सबको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक नोटिस के फॉर्म में कि हाँ जी एक ये है कॉम्पिटिशन है, जिसको इसमें पार्ट लेना है वो स्टेप आउट कर सकते हैं, राइट? सो यही मतलब होता है एक नोटिस का, जब हम एक प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं बाय वॉट, बाय अ सेट ऑफ words by a set of paragraphs. Okay, now a notice means communicating formally with a group of people. It can be used to inform people about various things, an event that is going to happen, an item that has been lost or found. They are short and to the point while containing all the relevant information. तो notice आपकी book में क्या definition लिखी है कि notice एक ऐसा जरिया है communicate करने का जिससे आप फॉर्मल तरीके से एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं. वो मैसेज बहुत सारे टाइप्स का हो सकता है, या तो किसी इवेंट जो आपका एक इवेंट होने वाला है उसके बारे में आपको बताएगा, या फिर कुछ किसी चीज़ कोई खो गई है किसी की चीज़ या मिली है तो एक नोटिस पुट अप किया जाएगा कि यस हमारे को ये चीज़ मिली है, जिसकी भी है वो यहाँ से आके कलेक्ट कर लीजिए. सो दैट्स अ नोटिस ओनली, राइट? हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, राइट? तो अगर हमें कभी भी नोटिस लिखना होगा तो हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने माइंड में रिमेंबर करके रखने हैं. लेट्स रीड दोज पॉइंट्स. फर्स्ट इज राइटिंग द नोटिस इन अ बॉक्स. आपको ध्यान रखना है जब भी आप नोटिस लिखिए, यू हैव टू राइट देम इन अ बॉक्स. आपको एक बॉक्स बनाना है पहले अपने हैंड से, इट हैज़ टू बी हैंड ड्रॉन, एंड उसके अंदर आपको नोटिस लिखना है. अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. पुट द वर्ड नोटिस इन ब्लॉक एंड बोल्ड लेटर्स एट द टॉप. व्हाट आर दे सेइंग? जो आपका बॉक्स है उसके अंदर सबसे टॉप पे बोल्ड लेटर्स से आप क्या लिखेंगे? नोटिस. हेडिंग क्या डालेंगे? नोटिस. राइट द नोटिस इन थर्ड पर्सन. आपको नोटिस हमेशा तीसरे इंसान को रिलेट करते हुए लिखना है, राइट? थर्ड पर्सन में लिखना है. मेंशन द डेट एंड नेम डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी. आपको अपना नेम, या फिर आप किसी अगर पूरे ग्रुप से हैं या किसी कम्युनिटी से हैं, उसका नाम, राइट, और डेट भी मेंशन करनी है. इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स सच एज टाइम, प्लेस, डेट ऑफ द इवेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है एक इवेंट के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या करेंगे, आप सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ज़रूर डालेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में, उसका टाइम, डेट, उसका वेन्यू, राइट? एवरीथिंग should be there in the notice. Adhere strictly to the word limit as given. Word limit दी जाती है आपको नोटिस लिखते हुए, तो आपको बिल्कुल strictly उस word limit को follow करना है. In case if designation is not given, X, Y, Z और A, B, C आप लिख सकते हैं, ठीक है? A notice is a formal piece of writing but is taken to avoid a stiff tone. Right, let's move on and see it with an example. लुक एट द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस विद मार्किंग स्कीम. इसके अंदर आपको क्या बता रखा है? एक नोटिस राइटिंग का एग्जाम्पल दे रखा है, राइट? अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड फिर हम सोल्यूशन को समझेंगे. यू आर किरण, राइट? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको आपका नाम ऑलरेडी दे रखा है. अगर आपका नाम किरण नहीं भी है फिर भी आपको किरण ही यूज़ करना है. क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन में दे रखा है. सो मेक श्योर अगर आपके क्वेश्चन में कोई नाम या कोई डेजिग्नेशन दे रखी है तो आप वही यूज़ करेंगे, अपना रियल अथॉरिटी नेम नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. स्कूल कैप्टन ऑफ ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बहादुरगढ़ राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ पोएम रेसिटेशन कॉम्पिटिशन. तो एक पोएम रेसिटेशन आपका कॉम्पिटिशन है जिसके लिए आपको सारे स्टूडेंट्स को एक नोटिस लिखना है, ओके? टू बी हेल्ड ऑन 15 February. इन्होंने आपको डेट भी दे रखी है कि वो कब होना है, 15th को. चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सफर्ड हाई स्कूल बहादुरगढ़, सबसे पहले आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा,
फिर आपने डेट लिखी, ओके, फिर नोटिस, राइट द वर्ड नोटिस, और फिर आपने सब्जेक्ट लिखा कि ये जो नोटिस है वो किसके बारे में है, राइट. सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल, आपके पास एक नोटिस है जो आपको रीड नहीं करना. मे बी आपको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत यू नो टाइम रश हो रहा हो, या फिर अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है उसे रीड करने का, तो आप सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी बहुत यू नो थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये नोटिस किसके बारे में है, राइट. सो सब्जेक्ट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए कैसे लिखा हुआ है. All the students are hereby informed that a poem recitation competition will be held on 15 February in the school hall. 15 February, और आपको ईयर भी साथ में मेंशन करना है, 2024 हम तो मेंशन करेंगे, राइट. सो आपको ईयर भी साथ साथ मेंशन करना है. Those who want to participate may submit their names to their class teachers by 13 February. तो देखिए आपको ये भी लिखना है कि जिन जिन को पार्टिसिपेट करना है वो अपने नाम अपने क्लास टीचर्स को दे दे. फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द अंडर साइन. तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किरण, हु इज़ द स्कूल कैप्टन, उन्हें आप रीच आउट करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. सो डिड यू अंडरस्टैंड हाउ दे हैव रिटन दिस नोटिस, राइट. नाउ वी हैव अनदर एग्जाम्पल दैट यू आर राजीव, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ लक्ष्मण पब्लिक स्कूल बहलाई. Write a notice on your behalf of your school inviting all the grandparents of the students of your school to celebrate Grandparents Day. तो आपको क्या करना है, आपको एक नोटिस लिखना है जिसके अंदर आप सारे स्टूडेंट्स के grandparents को स्कूल में इन्वाइट कर रहे हैं for a Grandparents Day celebration. ठीक है, तो आपने पहले अपने स्कूल का नाम, अपनी डेट, नोटिस हेडिंग एंड क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा. All the students are hereby informed that the school is celebrating Grandparents Day on 8 September or ERP mention karenge. All the students are requested to come along with their grandparents on that day at 5 p.m. in the school hall. Rajiv Kapoor and Cultural Secretary. तो आपने देखा designation क्या थी उसकी, Cultural Secretary. ये question में already दे रखा है और उसका नाम भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है. तो आपको ये चीज़ बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी है कि अगर नाम और डेजिग्नेशन, मतलब डेजिग्नेशन का मतलब होता है आपकी पोजीशन, वो अगर आपको दे रखी हो क्वेश्चन में तो आपको अपने आप नहीं लिखनी है, आपको क्वेश्चन वाली ही फॉलो करनी है, राइट. सो नाउ एक और एग्जाम्पल है, सो यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल ऑन योर ओन. आई होप अब तो आपको समझ आ गया होगा. आपको सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखना है. सबसे पहले आपको उस जगह का नाम, लोकेशन जो है जहाँ से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, फिर आपको डेट, नोटिस, सब्जेक्ट एंड आपने जो मैटर है वो पढ़ लिया है. नाउ यू हैव द टास्क जिसके अंदर आपको लिखने हैं ईमेल्स खुद से. सो नाउ आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ चुका है एंड यू आर एबल टू राइट द नोटिस वेरी वेल, ओके. बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको बॉक्स में बनाना है और जो जो फॉर्मेट है उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली अडेयर करना है. Right? Okay, so that's it for this topic, notice writing. I will meet you with another video now. Thank you so much for watching. Till then, goodbye and take care.